सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल NS रिएक्शन में। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार सुनने वाले हैं मराठी हिप हॉप। और आज जिस सॉन्ग पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, वो सॉन्ग का टाइटल है राम राम मंडली बाय एस्टार प्रोड बाय श्री बीट्स। और मतलब एस्टार भाई के लास्ट सॉन्ग पे ही मैंने रिएक्शन दिया था, किम्मत नाम था उसका। तो वो सॉन्ग सुन के भाई, मतलब एक बात तो मैं 100% बोल सकता हूँ, उस पर आप भी एग्री करोगे कि ये जो भाई है वो मतलब लिरिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैप लिखते हैं। मतलब अगर सिंपल में बताना चाहूँ तो मतलब इनके रैप में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मतलब जिनका मीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, ऐसा फैक्टफुल रैप लिखते ये भाई। तो मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मतलब ये सॉन्ग में हमें क्या फैक्ट्स मतलब सुनने को मिलेंगे। और हाँ, सूत्रों के अनुसार मुझे एक बात पता चली, तो मैं अभी आपको वो तुरंत तो नहीं सुनाऊंगा, बट कहीं भी मतलब बीच में या एंड में या कभी भी मैं वो बात आपको बता सकता हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बढ़ते सॉन्ग की तरफ बिना किसी देरी के। 1 2 3 लेट्स गो। ये तळजाई का एरिया है, तळजाई टेकड़ी जो है, मतलब पुणे में जो भी रहता है उन सबको मालूम रहेगा ये प्लेस के बारे में। तो ये इधर शूट हुआ है, तळजाई टेकड़ी, एडिट बाय देवांश। अस्टार राम राम मंडळी करा काम, बेभान होऊन करत राहायचं आपलं काम, डोकं जाम दाम कडक ट्रॅक पॉवर काम, काम करा जपून नाही तर हॉल बदनाम। राम राम। देखा भाई, मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही बोला है कि मतलब ये भाई के रैप में फैक्ट्स बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होते हैं, मतलब फैक्ट्स के बेस पर बहुत ज्यादा ये बात करते हैं। अभी सॉन्ग सुने शुरू हो के बस 35 सेकंड्स ही हुए, बट आप स्टार्टिंग के ही लाइन में देख लो कि कितना अच्छा मतलब बात कही उन्होंने कि राम राम मंडली काम करा, बेभान होन करत रहसा आपलं काम। मतलब बेभान हो के मतलब बस उसके पीछे आप लगे रहो, बाकी और किसी चीज के बारे में मत सोचो। और जब आप ऐसा करोगे मतलब काम करते ही रहो, बट अगर आप बेभान हो के या फिर काम नहीं करोगे तो आप बदनाम हो जाओगे। तो इतना सिंपल वर्ड्स में इन्होंने कितनी अच्छी बात हमें फर्स्ट दो लाइंस में ही समझाई है। तो आगे सुनते बदनाम। राम राम हात जोडून बोलून नाही सुधरत त्यांना करतो सोलून, हात जोडून नमस्कार तिरस्कार त्यांचा नाही, जेवाला खेचतात मागे डर काळी फोडतो मी जंगली वाघे, मला बोलता साप आणि स्वतः नागे त्विच। तो भाई देखा, मतलब इधर भी कितना अच्छा बात बोला है उन्होंने कि मतलब तिरस्कार मतलब क्या बोला गया अभी उसको, कि हिंदी में अभी वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट तिरस्कार मतलब नहीं क्या कि मेरे मन में किसी की भी मतलब मेरे मन में उनके लिए नफरत की भावना नहीं है जो मतलब मुझे पीछे खींचते, क्योंकि मैं जंगली वाघ हूँ, मतलब मैं टाइगर ओवर में डरकारी फोड़ता हूँ, और ये लोग मेरे को सांप बोलते हैं बट ये खुद लोग नाग है। तो ऐसा बोला है इधर, आगे सुनते हैं। इधर भी ये बोला है कि मतलब ये लोगों के मतलब विचारों में डाग है, मतलब इनके विचार गंदे और लिमिटेड है, और हम लोग इनके बाप है, और हम लोग इनको बस शब्दों में ही नॉक कर देते। तो ऐसा बोला है इधर, आगे सुनते हैं। तो भाई मतलब अभी मैं आपको बात बता देता हूँ कि मतलब मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि ये भाई का कुछ तो मतलब पहले का कुछ तो इनका एक पर्सनल सीन है जो मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चला है, बट उसकी वजह से उन्होंने पहले भी एक बार एक डिस्ट्रैक्ट निकाला था, और उसके बाद मतलब उससे रिलेटेड ये सेकंड ट्रैक है, क्योंकि इसमें इन्होंने ये बोलने की मतलब कोशिश की है कि बहुत हुआ ये सब, मतलब बाकी के बातें जो आजकल के रैपर्स भी करते हैं, मतलब ये इसको डिस करता है, वो उसको डिस करता है, तो ये बातें कम करो आप लोग, और अपने काम पे ज्यादा फोकस करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये बात के लिए इन्होंने ये रैप सॉन्ग लिखा है।
बट वो जो एग्जैक्ट बात है वो मैं आपको पता करके आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए हम लोग आगे सुनते हैं। अरे यार गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी बढ़ गई पुणे में, आगे सुनते हैं। माझे जिद्द दौलत कधी ना वाकत, आपली रगिल मेहनत करायची कसरत, माझा संग भिडायला भाऊ तुझ्यात ना ताकत, आपले रावस काम स्टार आहे जिथे तिथं रस्ता जॅम, हे पाठीद्वार करणारे एक हात लांब, ज्यांनी सोडलं मला त्यांना राम राम राम। और मतलब ये भाई की मुझे मतलब एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मतलब इन्होंने इससे पहले भी एक बार विचार फाट के सॉन्ग है इनका, मतलब उसमें इन्होंने संभाटा को डिस किया था, तो वो सॉन्ग में भी मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर बात करी है। और भाई मतलब एक बात इनमें क्वालिटी एक अच्छी है कि ये डिस भी करते तो मतलब गाली का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब बिना डिस किए बस फैक्ट्स के आधार पर ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा डिस करते सामने वाले को। आगे सुनते हैं। राम राम मंडळी करा काम बेभान होऊन करत, राहायचं आपलं काम डोकं जामदाम, कडक ट्रॅक पॉवर काम, काम करा जपून नाही तर व्हाल बदनाम। राम राम मंडळी करा काम बेभान होऊन करत, राहायचं आपलं काम डोकं जामदाम, कडक ट्रॅक पॉवर काम, काम करा जपून नाही तर व्हाल बदनाम। राम नाम सत्य यांचं चालू आहे नृत्य, आपण करायचं कृत्य, आपलं दगड आहे हृदय, आपलं मर्त स्वप्न करतो मी जा, आपलं सरण दफन मग होतो मी आग, भेटेल सगळं पहिले शिस्तित्व, बेभानपणे कर काम, चल हो तू जाग, चल हो तू जाग। देखा मैंने पहले ही बोला था ना कि मतलब ये सब बातें छोड़ के आप बस अपने काम पे फोकस करो, ये बात इन्होंने ये सॉन्ग में बोलने की कोशिश की है। तो अभी आप लाइन से समझ गए होंगे, मतलब जिनको मराठी आता है और जिनको मराठी नहीं आता है भाई, मतलब वो एक मास्टरपीस को मतलब जो मराठी हिप हॉप है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है आपको तो मालूम है। और आप ये जो मास्टरपीस निकल के आ रहे हैं मराठी हिप हॉप में वो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो ये बात के लिए मुझे बस बुरा लग रहा है आपके लिए, बट आप वाइब एंजॉय कर सकते हो सॉन्ग की। आगे सुनते हैं। चला राम 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 राम, करा काम 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 काम। ये सॉन्ग खत्म हो गया इधर। तो गाइस अपना सॉन्ग सुन के तो हो चुका है, और मतलब सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये सॉन्ग में भी मतलब लास्ट सॉन्ग की तरह ये सॉन्ग में भी भाई ने मतलब फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर दिए, ना कि कोई फेक शीट बातें बोली है या फिर मतलब बोलने की कोशिश करिए, जो भी था फैक्टफुल था। और अगर ऐसा सॉन्ग हमें सुनने मिलता है जो कि फैक्टफुल हो तो जो मजा होता है सॉन्ग सुनने का वो इधर चला जाता है भाई, तो इसलिए मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सॉन्ग सुन के। और एक मेन बात बता रहा तो मैं आपको भूल ही गया कि जब सॉन्ग खत्म हुआ तो मैंने जस्ट ऐसे ही कमेंट सेक्शन खोला वीडियो का, और मुझे फर्स्ट पिन कमेंट ये मिली जो कि थी लिरिकल डॉक्टर भाई की, जिसके साथ एस स्टार ने कोलैबोरेशन किया था किम्मत सॉन्ग में। तो आपको तो मालूम ही है कि मतलब जब दोनों साथ में आते हैं तो कितना ज्यादा पावरफुल सॉन्ग निकालते, कितना ज्यादा मीनिंगफुल सॉन्ग निकालते, और सॉन्ग का नाम मतलब आई गेस कुछ तो गंभीर होने वाला है। तो इसलिए मतलब मैं तो अंदर से ऐसा फील कर रहा हूँ कि मतलब ये सॉन्ग जो था अभी का वो खाली ट्रेलर होने वाला है, और इसके आगे का जो सॉन्ग आएगा ये दोनों का मतलब वो तो भाई बवाल होने वाला है। तो एस्टर भाई और लिरिकल डॉक्टर भाई जल्द से जल्द वो सॉन्ग अपलोड करना क्योंकि हम उसका बहुत ज्यादा वेट करेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और YouTube चैनल NS रिएक्शन।